सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कांग्रेस कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करे लेकिन उसमें विघ्न आ ही जाता है। सोमवार को देश भर में दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने उपवास किया था, लेकिन उसके उपवास पर उस वक्त खलल पड़ गया जब 1984 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार वहां पर पहुंच गए। उनको लेकर उपवास में विवाद खड़ा हो गया और उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन दूसरी पार्टियों को यह मुद्दा मिल गया जिसमें कांग्रेस फंस गई। इसी को लेकर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर सिख संगठनों ने प्रदर्शन कर दिया और दोनों नेताओं को पार्टी से निकालने की मांग भी कर डाली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में सिख संगठनों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सोमवार को कांग्रेस के उपवास में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लेकर जो विवाद हुआ था उसकी प्रतिक्रिया है। दरअसल कांग्रेस के उपवास में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका विरोध हो गया था जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। अब दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर करने की मांग की जा रही है। दरअसल इन नेताओं पर 1984 के सिख दंगों का आरोप है जिसको लेकर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर तरह तरह के नारे लिखे हुए थे। कुछ नारे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को सजा की मांग के थे तो कुछ में उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए लिखे गए थे। वहीं कांग्रेस को लेकर भी कई नारे लोगों ने लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की और डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हिरासत में ले, चाहे हमें जेल भेजे, चाहे हमें फांसी के फंदे पे लटकाएं। सज्जन टाइटलर को फांसी होनी चाहिए, करवा के रहेंगे। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मंगवा के रहेंगे। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर बस में ले गई। इस दौरान मनजीत सिंह जीके ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, सिख दंगों के दोषियों को वो सजा दिलवा कर रहेंगे और असी ये लड़ाई जीवित रखांगे। अकाली दल ने लड़ाई लड़ी है, 35 साल हो गए ने और बड़ी छेती है सलाखा दे पिछे होंगे। तुसी आने वाले समय देखोगे और इंसाफ लेके रहेगा अकाली दल। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लेकर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। उपवास के दौरान इन दोनों के पहुंचने से एक बार फिर 1984 के सिख दंगों का मुद्दा गर्मा गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस चक्रव्यूह से कैसे निकलती है। दिल्ली से MH1 न्यूज के लिए आलोक सांगवान की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट्स।